हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉर्थ ईस्ट ब्लॉगर्स। आज मैं आप लोगों को मारुति सुजुकी एक्सेल 6 के अंदर की बातों को बताने से पहले, दोबारा कह रहा हूँ, अंदर की बातों को बताने से पहले इसके डिक्की के स्पेस में एक्चुअल कितनी स्पेस है ये आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। वापस घूम फिर के आप लोगों को बताता हूँ कि आइए अंदर चलते हैं, इंटीरियर की बातें करते हैं। लास्ट दो तीन वीडियो से मैं बार बार यही कह रहा हूँ, लेकिन क्या करें, वापस घूम फिर के वो बाहर एक्सटीरियर में ही अटक जाता हूँ। वो पुरानी एक एडवर्टाइज आती थी ना कि एक बच्चा टॉय वाली गाड़ी चला रही है और उसके पापा कहते हैं बेटा आजा खाना लग गया है, और बेटा क्या जवाब देता है, पापा पेट्रोल ख़त्म ही नहीं होता। तो ठीक उसी प्रकार से इसकी फीचर्स जो है वो ख़त्म ही नहीं होते, मैं क्या करूँ, अंदर जा ही नहीं पा रहा हूँ दोस्तों। तो आइए इस वीडियो में किस तरीके से आप लगेज को सेट कर सकते हैं जान लेते हैं, और फिर इसके बाद में मैं आप लोगों को इसके अंदर के फीचर्स को ज़रूर 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 बताऊँगा। तो आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस एक्सेल 6 की सारी फीचर्स के बारे में जैसे कि पहले भी बता चुका हूं, अगर आप लोगों में से किसी ने भी हमारे वो पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए जो भी आई बटन के लिंक्स आएंगे एक के बाद एक, आप उन लिंक्स को क्लिक कीजिएगा और हमारे पुराने वाले वीडियोज़ को आप देख कर एक्सेल 6 के बारे में बेहतरीन तरीके से चीज़ों को जान पाएंगे। तो दोस्तों आइए आज अभी इस डिक्की के स्पेस के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों वैसे तो ये 209 लीटर का बूट स्पेस है, लेकिन अगर हम लोग इस मैट को हटाकर इसके नीचे दिए गए इन प्लेट्स को हटाते हैं और नीचे का जो हिस्सा है आप देख सकते हैं काफ़ी गहरा हिस्सा है, इसमें करीबन 8 इंच की गहराई है, इसको ले लेते हैं तो लगभग 230 लीटर की ये बन जाती है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कुछ सूटकेसेस के सहारे कि अगर हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं बिना कुछ किए इस 209 लीटर की तो क्या क्या पोजिशंस में कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आइए कुछ सूटकेस डालकर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये एक ट्रॉली बैग है जो फिलहाल तो खाली है, लेकिन इसको अगर हम लोग भर भी लेंगे तो ज़्यादा फूलेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस ट्रॉली बैग को अगर हम लोग फिलअप करके यहाँ डालते हैं, ये काफ़ी बड़ा ट्रॉली बैग है वैसे, इसको यहाँ डालते हैं और सीट को जो आराम वाला जो पोजीशन है, एक्चुअली ये पीछे का जो थर्ड रो वाली जो सीट आती है एक्सेल 6 में, ये दो पोजीशन पे होती है, एक इस पोजीशन पे और एक इससे आगे इस पोजीशन में भी आप इसे ले सकते हैं, लेकिन इस पोजीशन में आप लेंगे तो अंदर से बैठने में आपको मज़ा नहीं आएगा। तो ये आराम वाला जो पोजीशन है अगर इसी में हम लोग इसको रखते हैं तो एक ये ट्रॉली बैग आ जाती है, दूसरी नहीं आएगी। अगर एक आदमी अंदर में कम बैठता है और इसको हम लोग थोड़ा सा पोजीशन को आगे कर लेते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक हार्ड टॉप वाली ट्रॉली बैग, ये हार्ड है, ये कपड़े का है, ठीक है। तो ये हार्ड टॉप वाली ट्रॉली बैग देखिए इसमें सुंदर से आ जाता है, दो बैग देख रहे हैं, और ये ऊपर अगर आप चाहें तो इस छोटी छोटी टाइप की कई बैग्स आप यहाँ रख सकते हैं, अच्छा खासा स्पेस है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि इन बैग को हटाकर अगर हम लोग दो बड़े बैग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कुछ इस तरीके की बड़े बैग्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये पॉसिबल है या नहीं है। सीट को पहले वाले पोजीशन में ले लेते हैं, आराम वाली पोजीशन पे। मैं ये बूट मैट हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है इसे भी हटा लेता हूँ। दोस्तों आइए अब देखते हैं, ये जो ट्रॉली बैग है इसको हम लोग अगर ऐसे सीधा डालते हैं, देखिए सीधा डालते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये हिल रही है, ठीक है, लेकिन ये आराम वाली पोजीशन पे है सीट, इसे हम लोग इंक्लाइन करके आगे नहीं ले जा रहे हैं, ये हिल रही है क्योंकि ये खाली है। अगर ये भर्ती भी हो जाए ना तो ये फुल पैक हो जाएगी, और यहाँ जो आप देख रहे हैं कॉर्नर में ये हीट नहीं करेगी ग्लास में, ये अंदर में एक्चुअली जो स्पेस बना हुआ है इस स्पेस में ही ये
बढ़िया से फिट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ऐसे लगाते हैं तो देखिए, मार्क करता हूं मैं आपको, लगभग इस पोजीशन पे आ रही है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अगर इसे अलग से इस साइड में भी देते हैं तो ये देखिए, ये लगभग इस पोजीशन पे आ रही है। ठीक है, यानी इस पोजीशन को अगर हम लोग नापना भी चाहें तो भी दो बड़े बैग के बीच में 7 इंच का गैप रहता है। देखिए, पहले वाली यहाँ तक आ रही थी और ये उधर तक है, तो दो बड़े बैग के बीच में 7 इंच का गैप रहता है। तो इस 7 इंच के गैप में आप ऐसे छोटे छोटे कई बैग रख सकते हैं, 1, 2 या इसके ऊपर में भी, तो बहुत स्पेस है दोस्तों। और अगर ये स्पेस भी आप लोगों को कम पड़ रहा है ना, तो बस इसको इंक्लाइन कर दीजिए, दो आदमी इसको इस इंक्लाइन पोजिशन पर रख सकते हैं, या फिर इसको पूरा ही गिरा दीजिए। तो लीजिए, आपका 550 लीटर का बूट स्पेस रेडी हो गया है। इसमें चाहे आप जितना भी सामान भर लीजिए, तब आपके लोग यहाँ कम आएंगे, केवल 4 ही लोग इस गाड़ी में बैठ पाएगा। तो दोस्तों, ये जो डिक्की का जो स्पेस है ये कम नहीं है, काफ़ी बड़ा स्पेस है। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था, कैसे आप अपने ज़रूरत के अनुसार इसको इस्तेमाल करेंगे वो सबसे बड़ी बात है। मैं आप लोगों को वही दिखाना चाहता था कि ये कोई छोटी स्पेस नहीं है, बहुत बड़ी स्पेस है। अगर आप इसे सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी बड़ी जगह है, और आपको कहीं भी ट्रेवल करना हो, कभी भी कहीं भी किसी भी जगह, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जो बूट स्पेस है ये काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है। और फिर भी अगर आपको इतना सारा स्पेस भी अगर कम लगता है तो आप ऊपर 50 किलो का वजन रखने वाला एक कैरियर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों में से जो भी नए हैं हमारे साथ इस वीडियो में आज, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले हर नए वीडियो को बराबर आगे पा सकें। धन्यवाद।